आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो क्लियर है। मुझे क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो प्यार और सपोर्ट दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आज सत्य साहस की जीत हुई है। ये केवल राहुल गांधी जी की जीत नहीं है, लोकतंत्र की जीत है, संविधान की जीत है और आम जनमानस की जीत है। हम आशा करते हैं अब कि भाजपा अपने एक विशेष विभाग जो है, जो कई खेल खेलता है, चालबाजी के और अन्य खेल, उस विभाग पे ताला लगाएगी। वो जो चीजें करते हैं जिससे विपक्ष के नेताओं को अनर्गल रूप से निशाना बनाया जाता है, उसको अब कुछ हद तक कम से कम थामेगी, अगर पूरी तरह से रोकती नहीं भी है तो। हम अब संसद में उत्सुकता से जनता से जुड़े मुद्दों पर श्री राहुल गांधी को और श्री राहुल गांधी की बुलंद आवाज सुनने के लिए तैयार हैं, उत्सुक हैं और मोदी सरकार को बुनियादी मुद्दों पे जवाबदेही बनाना, ये आप फिर से देखेंगे संसद के अंदर। संसद के बाहर तो ये प्रक्रिया चली रही थी। तो जैसा कि लोग कह रहे हैं, फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। आज बड़ा खुशी का दिन हमको लगा कि डेमोक्रेसी की जीत हो गई, संविधान की जीत हो गई, सत्य में वो जयते, इसलिए हम सारे लोग खुश हैं, शायद आप भी खुश होंगे, क्योंकि हमेशा ऐसा होता है कि हमारी बातें कभी नेगेटिव में ही जाते हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव भी रहता है। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, उसके तहत, और मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का फैसले का स्वागत करता हूं। अभी संविधान जिंदा है, बाकी है और न्याय मिल सकता है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सिर्फ राहुल गांधी जी का जीत नहीं है, सारे भारत के जनता की जीत है और डेमोक्रेसी की जीत है और संविधान के उसूलों की जीत है। इसीलिए एक बहुत बड़ा फायदा देश के लोगों को हुआ है। जो एक व्यक्ति लड़ता है सच्चाई के लिए, देश के हित के लिए और देश को मजबूती लाने के लिए, देश के युवाओं के लिए, देश में जो महंगाई बढ़ रही है, महंगाई के खिलाफ जो व्यक्ति लड़ते लड़ते और लोगों को जागृत करते करते कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा चल के गरीबों से मिले, बच्चों से मिले, डॉक्टर इंजीनियर सभी लोगों से मिले, और आज मैं समझता हूँ उन सब की दुआएं हमारे साथ है, इसीलिए ये लोगों का जीत है। राहुल गांधी जी को हटाने में, डिस्क्वालीफाई करने में सिर्फ 24 घंटे में सब कुछ हुआ। अब देखेंगे अब कितने घंटे में उनको रीइंस्टेट करते हैं, क्योंकि डिस्क्वालीफाई करने के लिए तो उनको टाइम ही नहीं। आया जजमेंट गुजरात, ये तो दिल्ली का जजमेंट है, बहुत आस्था नजदीक है बहुत ही,
अब गुजरात से आने आया जो ये था उसको उन्होंने 24 घंटे लगा के उसमें सब डिस्क्वालीफाई करे, बाकी सारी चीजें करे, बाहर निकाले, सब कुछ हुआ। लेकिन दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट और हमारा जो पार्लियामेंट है हार्डली ये सिर्फ किलोमीटरों पे है, तो वो तो 1500 से 600 किलोमीटर था। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि शायद रात में वो रीइंस्टेट करते हैं, क्या अभी करते हैं, कितना वक्त लेते हैं, हमको अब देखना चाहिए। हम देखेंगे और इंतज़ार करेंगे। अब इतना बड़ा इंतज़ार किए तो ये जो बाकी उनके ऑर्डर का भी हम इंतज़ार करेंगे। मोदी सरकार को और बीजेपी लोगों को थोड़ा, अरे भाई हम क्या गलती किए, ये करना नहीं था, ऐसा तो थोड़ा लगा होगा, चाहे वो मन में ही बोलते होंगे या बाहर बोलने को थोड़ा कष्ट होता होगा। लेकिन मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अभी आगे हमारा लड़ाई जारी रहने वाला है। तो इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये लोगों की जीत है, वोटरों की जीत है और वायनाड के नागरिकों की और वोटर की ये जीत है। वहाँ के लोग भी बड़े खुश हैं और वायनाड के लोग जीत से अब सब जगह ये अपनी जीत मना रहे हैं।